फील कर रहा है, इट मीन्स हम उसको सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फैमिली मोस्टली बच्चों के पास फैमिली होती है, लेकिन नहीं होती है तो उसको फैमिली जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना हमारी सरकार का दायित्व है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना हमारी सरकार का दायित्व है। इसीलिए ये पोक्सो एक्ट है, ये इसी कड़ी में एक काम है, क्योंकि ये पोक्सो एक्ट क्या करता है, बच्चे को सेफ्टी के लिए, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए है, और सेफ्टी का हर बच्चे का अधिकार है। तो फैमिली प्रोवाइड करती है सेफ्टी, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए फैमिली का फैमिली है वो सरकार ने प्रोवाइड करवा रखी है, और वहाँ पर उन बच्चों को रहने की, खाने की, न्यूट्रिशन की, सब तरह की फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, ऐसा सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे पास स्कूल में बच्चा आ गया तो ऐसा नहीं है कि हम उस बच्चे को, हमें उसका बैकग्राउंड पता है और उस आधार पर हम उस बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करें, यहाँ पर उस बच्चे के पहले वाले अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। अगर कोई बच्चा हमारे पास आ रहा है, हमें पता है कि इसके पेरेंट्स नहीं है, उसे तो हमें वैसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। और फिर आने के बाद हो सकता है कि वो बच्चा पढ़ाई में वीक हो, वीक क्यों होगा, क्योंकि उसको कुछ सपोर्ट जो एक नॉर्मल बच्चे को मिलता है वो उसको नहीं मिल पा रहा, इस वजह से वो बच्चा थोड़ा सा वीक रहेगा, वीक रहेगा। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रमोट करके उस बच्चे को ऊपर उठाया जाए, ये हमारा एज ए हेड, एज ए टीचर, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तीसरा अधिकार है बच्चे को हेल्थ, हेल्थ, हर एक बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अगर कोई बच्चा बीमार है तो डॉक्टर की फैसिलिटी मिले, ये हर बच्चे का अधिकार है। हेल्थ इशू है हमारे, वैसे तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सारी फैसिलिटी पहले से ही गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, टीचर का काम है कि उन फैसिलिटी को किन बच्चों को देना है, कौन बच्चा इस फैसिलिटी को लेने के लायक है, जिन बच्चे को जो वास्तव